मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत हमीर भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 125 से अधिक नए उद्यमी आवेदकों व पुराने उद्यमियों तथा जिला के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त हरिकेश मीणा ने की। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नए उद्यमी आवेदकों को पुराने व अनुभवी उद्यमियों के विचारों व अनुभवों से अवगत करवाना था, ताकि वे पुराने उद्यमियों से सीख लेकर अपने उद्योग को बेहतर ढंग से संचालित कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत हमीर भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 125 से अधिक नए उद्यमी आवेदकों व पुराने उद्यमियों तथा जिला के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त हरिकेश मीणा ने की। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नए उद्यमी आवेदकों को पुराने व अनुभवी उद्यमियों के विचारों व अनुभवों से अवगत करवाना था, ताकि वे पुराने उद्यमियों से सीखकर अपने उद्योग को बेहतर ढंग से संचालित कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें। इस दौरान उपायुक्त ने नए आवेदक उद्यमियों से नए उद्योग स्थापना को लेकर बातचीत की तथा इसे स्वरोजगार के रूप में अपनाने के साथ अन्य लोगों को भी इसके माध्यम से रोजगार प्रदान करने को कहा। कार्यशाला में उपरोक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत आवेदकों की परियोजना रिपोर्ट का अध्ययन किया गया तथा त्रुटियों का भी निवारण किया गया। बैठक में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में कहा कि योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के युवक व युवतियां पात्र हैं, किसी भी विनिर्माण क्षेत्र या अधिसूचित सेवा क्षेत्र में अपना उद्योग लगा सकते हैं। इस योजना के तहत कुल 60 लाख तक के निवेश, 40 लाख के उपकरण पर 25 से 30% महिलाओं के लिए अनुदान उपलब्ध है। योजना में आवेदन करने के लिए पार्थी का उद्योग विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर आधार कार्ड, बोनोफाइड हिमाचली एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला उद्योग केंद्र हमीरपुर में आकर महाप्रबंधक या परियोजना प्रबंधक या खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में प्रसार अधिकारी उद्योग से संपर्क स्थापित कर सकता है। जो आज वर्कशॉप हुई है हमारे डिफरेंट मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जितने भी स्कीमें टेक्निकली उनकी जो अप्लाई होती हैं स्वरोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसके रेस्पेक्ट में आज वर्कशॉप होती है। वैसे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होती है जो डीसी चेयरमैन से में, उसमें हम लोग इन केसेस को डिस्कस करते हैं और उनको बैंक वगैरह से लोन देना और उनको टेक्निकली गाइड करना, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उसको करता है। तो हमने ये डिसाइड किया था पिछले ये सेकेंड वर्कशॉप है कि जिन्होंने जैसे किसी को टाइल मेकिंग का काम है, किसी का सैलून का काम है, किसी को ड्रेसिंग इंजीनियरिंग है या किसी अदर सेक्टर में काम है, तो जिन लोगों ने पहले इन स्कीमों से फ़ायदा उठाया हुआ है उनके अनुभव नए एप्लीकेंट के साथ शेयर किए जा सके और एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जा सके, उस रेस्पेक्ट में इस वर्कशॉप ने की है और सेकेंड वर्कशॉप है। और हम लोग कोशिश, हमारी यही कोशिश है कि जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में ये एप्लीकेशन आए, जैसे अभी आज 125 के आसपास पार्टिसिपेंट है और उसमें उनका पहले ही सारा डिस्कस हो जाएगा कि किस तरह से EMI दे पाएंगे, फाइनेंशियल वायबिलिटी है या नहीं है, इन चीज़ों में करके, क्योंकि जिन्होंने एक्सपीरियंस है उनसे ये डिस्कस हो जाता है। तो इस रेस्पेक्ट हम काम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में जो हम लोग केसेज भेजते हैं, उसके बाद कई बार बैंकों से फाइनेंशियल वायबिलिटी को लेकर केसेज को डील किया जाता नहीं है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि सारे बैंक्स थ्रू LDM यहाँ सारे बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव भी आए हुए हैं और एप्लीकेंट्स भी आए हुए हैं, पुराने जो अनुभवी आदमी भी आए हुए हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तो अपने रिजर्वेशन जो भी उनको रिजर्वेशन है कि हम फाइनेंस नहीं कर सकते, ये इसकी वायलिटी, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कमेटी की मीटिंग के बाद होती है, वो पहले ही कर लें, सो एप्लीकेंट को धक्के नहीं खाने पड़े, उस चीज़ को लेकर हमने वर्कशॉप। कार्यक्रम में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।